आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का 10वां भाग लेके आ रहे हैं, जहां पर हम 150 प्रश्नों को कवर करते हैं। ये आपके पिछले साल के प्रश्न हैं। अगर आप चाहें तो इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। इसके लिए आपको ये ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें, इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हर रोज रात को 9 बजे आपको इस तरह की वीडियो देखने को मिलती है, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 3 दिन बाद जब ये 150 हो जाते हैं तो उनको कम्बाइंड करके एक वीडियो में लाया जाता है। उसी तरह ये वीडियो है और इसका नंबर होगा 10वां। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ऐप पे जा सकते हैं। गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? यहाँ पे आपके विकल्प है शाहजहां, अकबर, मुराद और दारा सिको। ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 डाटा एंट्री ऑपरेटर एलडीसी परीक्षा में पूछा था 4/11/2012 को सेकंड पाली में। देखिए, ये जो पेपर हम प्रीवियस ईयर करा रहे हैं, ये आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे एसएससी हो या फिर रेलवे हो या फिर आपका कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो, वहाँ पर भी रिपीट होने का चांस रखता है। कहीं पर भी किसी आप टीचर से पूछेंगे कि हमें जीके पे अच्छे से पकड़ बनाने के लिए क्या करना होगा, तो हर एक टीचर ये सजेशन देता है कि जो 20 साल में एसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर है, आप उनको अच्छे से पढ़ जाइए। तो वही हम कर रहे हैं और इसके लिए जो सही उत्तर होगा ये होगा दारा सिको। अगर हम दारा सिको की बात करें तो दारा सिको किसका बेटा था, क्या बता पाएंगे? ये बेटा था शाहजहां का। शाहजहां का जो पुत्र था दारा सिको, यह मुस्लिम संतों के जीवन कथा को लिखवाया। इसके अलावा ये गीता, उपनिषद, हिंदू धर्म का फारसी में अनुवाद कराया था। आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला है कि गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? यहाँ पे आपके विकल्प है अल्बुकर्क, काबराल, अल्मोड़ा, डी वेंगजा। ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 2012 में पूछा गया था, तो बताइए। ये है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए जाना जाता है। वह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। देखिए, अगर हम पुर्तगाल की बात करें कि सबसे पहले कौन यूरोपीय इंडिया आया था, तो ये पुर्तगाली ही थे जो कि 1498 में भारत आया। और जब 1498 में ये भारत आया तो ये तो आ गया, अकेले आया था, व्यापार के किस मतलब कि एक नया रास्ता खोज रहा था। तो ये जब इंडिया आया तो देखा कि यहाँ पे तो अथाह धन है, भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी। तब ये लोग धीरे धीरे अपनी आर्मी लाए, अपने कुछ और लोगों को लाए, और जो इनका पहला गवर्नर था ये अल्बुकर्क, ये गोवा में सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए इसको जाना जाता है। हालांकि ये सती प्रथा ख़त्म नहीं हुआ, ये जब राजा बदलते गए तो रूल्स बदलता गया, और इसको एक इस पे सबसे कड़ा प्रहार लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। कब? 1829 में, और ये राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हो पाया। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना? जैसे कि मुगल वंश के ये शासक हैं और कई बार कई क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, चलिए हम आपको पूरी लिस्ट बता देते हैं। जैसे सबसे पहले मुगल में आता है बाबर। बाबर रूल करता है भारत में 1526 से लेकर के 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। बाबर के बाद इसका बेटा आता है जिसका नाम होता है हुमायूं। हालांकि हुमायूं के कई भाई थे, लेकिन रूल यही किया सबसे प्रभावी 1530 से 1540, फिर 1555 से लेके 1556। इसके बाद से हुमायूं के बाद आता है अकबर 1556 से लेकर 1605 तक। इसके बाद आता है जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक। जहांगीर के बाद जो आता है यह है शाहजहां। शाहजहां रूल करता है 1627 से लेकर के 1658 तक। शाहजहां के बाद आता है आलमगीर, जिसको कि औरंगजेब भी कहा गया है। आलमगीर ये रूल करता है कब से कब? 1658 से लेकर के 1707 तक। इसकी मृत्यु हो जाती है। आलमगीर या फिर औरंगजेब का जो बेटा था ये था बहादुर शाह, नहीं इसके आजम शाह, उसके बाद बहादुर शाह, आजम शाह, इसको कई नामों से जाना जाता था। इसका एक और नाम है अबू अल फयाज कुतुब उद्दीन मोहम्मद आजम, इसको
मुअज्ज भी कहा जाता था। तो इसके लिए देखिए, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना, यही बना था, और यही आपका चौथे नंबर का सही होगा। एसएससी एमटीएस में ये पूछा गया था। आप चाहें तो ये पूरी लिस्ट याद रख सकते हैं, ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। देखिए, ये जो ताजमहल आप देखते हैं उसी को कॉपी करके इसको बनाया गया था, लेकिन ये कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है। ये औरंगजेब ने अपनी पत्नी के यादगार में बनवाया, और ये है कहाँ पे, औरंगाबाद में। औरंगाबाद में, औरंगाबाद किस स्टेट में है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत में स्थित स्थल है? मतलब कि कई सारे विश्व विरासत होते हैं, तो अलाई दरवाजा इनमें से जो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस में है, ये 10+2 में पूछा गया था एसएससी के एग्जाम में। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड मिल रहा है। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो इसे शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़े। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फिर अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को इंग्लिश में चाहते हैं तो आप ऐप पे जा सकते हैं। ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सही उत्तर है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को कुतुबद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया 1206 में। इसको पूरा कराया इल्तुतमिस, क्योंकि कुतुबद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 में। अगला है कि सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? सबसे अधिक सशक्त पेशवा कौन था? यह क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है 2014 में। यह है बाजीराव के बाद अगर बातें हैं, अगर बाजीराव ऑप्शन नहीं रहेगा तब आप माधोराव को ट्रिक कर सकते हैं। यह है बाजीराव। अगला है कि निम्न में से किस मुगल सम्राट ने अपनी स्वयं आत्मकथा लिखी थी? कौन है जो कि अपनी आत्मकथा, जैसे कई बार होता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मकथा लिखी गई है, लेकिन कौन है जो कि अपनी आत्मकथा खुद लिखा? यह है बाबर, और इसके अलावा जहांगीर। रूल कब तक, कब से कब तक की, ये आप याद रख लीजिए। बाबर की बात करें 1526 से लेकर 1530 तक, इंडिया की बात हो रही है, इंडिया से बाहर की बात नहीं। जहांगीर की बात करें 1605 से लेकर के 1627 तक। बाबर का बेटा था हुमायूं, हुमायूं का बेटा था अकबर, और अकबर का बेटा था जहांगीर। तो ये दोनों लोग अपनी अपनी आत्मकथा लिखे थे। जो बाबर की आत्मकथा थी इसका नाम था तुजूक ए बाबरी, तुजूक ए बाबरी। ये कई बार पूछा गया इसलिए हमने आपको बता दिया। अगला है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? आपके ऑप्शन है, और ये एसएससी 10+2 एलडीसी परीक्षा में पूछा गया था। देखिए, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके स्टेट वाले एग्जाम में, जैसे कि स्टेट पुलिस या फिर टेट या फिर उस तरह के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन का इतना इंपॉर्टेंस है कि ये कहीं पर भी पूछा जा सकता है। यह है अकबर। सबसे पहले आपको समझना होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कैसे हुआ था। देखिए, ब्रिटेन में 1600 ईस्वी में जो वहां की महारानी थी उन्होंने एक चार्टर एक्ट पारित किया। चार्टर एक्ट के द्वारा एक कंपनी बनाई गई। इस कंपनी का काम क्या था? व्यापार करना। तो अब देखिए, 1600 में भारत में कौन राज कर रहा था? यहां पे यह नहीं पूछा गया है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो कौन था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई 1613 में, तो उस समय राजा जहांगीर था। इसी ने परमिशन भी दिया था सर थॉमस रो को। लेकिन जब बनी, इंग्लैंड में ही थी, इंडिया में नहीं आई थी, जब बनी है 1600 में, तब इंडिया का राजा कौन था ये पूछा गया है, और यह है अकबर, क्योंकि ये बात हो रही है 1600 की, और अकबर रूल करता है 1556 से लेके 1605 तक। तो आप देख सकते हैं कि इसी के बीच में बनी थी। भारत का पहला मुगल बादशाह कौन बना, ये तो मतलब बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एमटीएस में पूछा गया था। सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके बता दें। यह है बाबर। कब से कब तक? 1526 से लेके 1530 तक। 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अगला है कि अकबर की दूसरी राजधानी कौन थी? दूसरी राजधानी कौन थी ये पूछा गया है। बताइए, ये इसके लिए सही उत्तर है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में इसमें बुलंद दरवाजा भी बनवाया, और कारण ये था कि गुजरात विजय, गुजरात विजय। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन। अगला देखते हैं, तो जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई है? जहांगीर ने रूल किया था 1605 से 1627 तक। देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपको एकदम ईयर इनके नाम के साथ बिल्कुल याद होने चाहिए। अब चाहे आप कुछ भी करिए लेकिन याद करिए।
नाम आ जाए तो आप सीधे बता दीजिए कि हाँ इसका ये टाइम पीरियड है। पूछा गया है कि जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी लाहौर में, लाहौर में पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान के लाहौर के सहादरा बाग में, सहादरा बाग में सीजीएल में पूछा गया था, 2 बार पूछा गया है ये। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था, ये करता था इबादत खाने में। देखिए अकबर ने एक नया धर्म भी बनाया था, हालांकि यहाँ पे इबादत खाने का मतलब ही होगा पूजा का घर, पूजा का घर, इसे पूजा गृह कहा जाता था, और सभी धर्मों का विचार विमर्श यहीं पे होता था इबादत खाना में। इसने 1582 में एक धर्म भी बनाया जिसे ढेर सारे लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। निम्नलिखित में से क्या सद्र उस सद्र से संबंधित है, सद्र इसे आप अच्छे से इस तरह लिख सकते हैं, सद्र उस सद्र फारसी भाषा है, तो कह रहा है कि इसका क्या मतलब है। ये क्वेश्चन 10+2 में पूछा गया था, 16 में स्टेनोग्राफर में पूछा जा चुका है, तो बताइए। सही उत्तर है गिरजे संबंधी मामले, मतलब कि जो भी सद्भाव और परोपकार, गिरजे मतलब होता है सद्भाव और परोपकार, इस तरह के जो भी काम करने थे उसके लिए सद्र उस सद्र बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है, ये तो बिल्कुल आसान है, 10+2 में पूछा गया है। देखिए इतिहास का सबसे, अगर हम मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम कवर कर रहे हैं इस समय, मुगल वंश से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं, आप इस तरह के वीडियो को स्किप नहीं कर सकते। और इस तरह के वीडियो में अगर आप सिंगल वाली वीडियो देखते हैं तो वहां पे आपको 50 क्वेश्चन मिलता है, कंबाइंड वीडियो देखते हैं तो या तो 150 मिलेगा या फिर एक ही वीडियो में 1000 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो सभी वीडियो को अगर आप एक ही जगह पाना चाहते हैं तो एक अच्छा तरीका है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए ये कहा जाता है शाहजहां को, क्योंकि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, इसके अलावा ये कई सारे निर्माण, जामा मस्जिद बनवाया, तो इसके इसीलिए इसको लाल किला बनवाया, लाल किला, जामा मस्जिद और ताजमहल, इसीलिए इसको निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है। चलिए बताइए शाहजहां के पिता का क्या नाम था, कमेंट करके बताइएगा, फादर ऑफ शाहजहां कौन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था, आपके ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, औरंगजेब और जहांगीर। ये क्वेश्चन SSC CA PF SI ASI दिल्ली पुलिस SI में पूछा गया था 2015 में, आपके पास 2 सेकंड होगा। सही उत्तर है औरंगजेब। अगर हम औरंगजेब की बात करें तो इसकी संगीत में रुचि थी और करीब करीब 1658 में यह कहा था कि हमारे राज्य में कहीं पर भी अब संगीत या कोई नृत्य नहीं होगा, वह कहता था कि मैं कट्टर मुसलमान हूँ और मैं सादा जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, इनफैक्ट सबको वो सादा जीवन व्यतीत करने के लिए बोलता था। अपने अधिकारियों को यह आदेश दिया था कि अगर राज्य में कहीं पर भी कोई संगीत सुनाई दे दे तो जाओ और वहाँ का जो वाद्य यंत्र है उसको तोड़ डालो। अगला है कि बाबर 1526-30 ईस्वी में किस वंश का शासक था, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया क्योंकि ये जो 50 क्वेश्चनों की लगभग वीडियो है ये तो पूरा इसी पर ही है, तो ये सही उत्तर होगा मुगल, मुगल भारत में आते हैं 1526 में और किस वंश को खत्म करके ये यहाँ पे अपना पैर जमाया, तो ये था लोधी वंश, लोधी वंश। राजा को आप बता सकते हैं कौन राजा था, इब्राहिम लोधी। किस लड़ाई में, पानीपत के पहले युद्ध में, कब, 1526 में। 1527 में बाबर कौन सी लड़ाई लड़ा, ये आप हमें बताइए कमेंट करके, पान खा घर चल, ये आपने पढ़ा होगा ट्रिक, अगर हाँ तो कमेंट करके बताइएगा, ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया, देखिए हुमायूं बहुत जल्दी मर गया और जल्दी मरने का कई कारण थे, तो बताइए कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया। देखिए होता क्या है कि हुमायूं को अचानक गिर करके मर गया, ये 1555 में दोबारा भारत पे आया और 1556 में ही ये मर गया,
जबकि अकबर की उम्र केवल और केवल 14 साल थी। तो हुमायूं का मकबरा बनवाया गया है किसके द्वारा? हाजी बेगम के द्वारा। हुमायूं की जो पहली पत्नी थी उनका नाम था बेगा बेगम, बेगा बेगम या फिर हाजी बेगम, ये उनका उपनाम है। तो इन्होंने ही बनवाया था 1569 से लेकर के 70 के बीच में। अगला है कि शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? ये लूटा था 2 बार। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। कारण क्या था कि समृद्धता के लिए सूरत को जाना जाता था और शिवाजी ने उस पर 2 बार आक्रमण किया और इन्होंने औरंगजेब को एक कड़ा संदेश दिया क्योंकि औरंगजेब के कब्जे में उस समय सूरत था। शेर शाह की महानता किसमें निहित है? मतलब कि अगर आप कहेंगे कि शेर शाह एक महान राजा था तो क्यों आप कहेंगे? वैसे तो आप कई सारे मुगल राजा हैं उनको आप महान कह ही नहीं सकते क्योंकि तोड़ फोड़, निहत्थों को मारना, ये सारी उनकी प्रक्रिया थी, ये उनके धर्म थे, उनको जिहाद बोलते थे। जिहाद का नारा सबसे पहले किसने दिया बता पाएंगे? बाबर ने 1527 में। तो वैसे आप नहीं कह सकते लेकिन अगर आप शेर शाह को महान कहते हैं तो इसे कहने का कारण ये था कि इस समय बहुत शानदार तरीके का प्रशासनिक सुधार किया गया। ये जीडी कांस्टेबल में पूछा गया था 2015 में। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? राजस्व मंत्री जो देख रेख करता था पैसे का, ये था राजा टोडरमल। राजा टोडरमल एक योद्धा भी थे और एक कुशल प्रशासक भी थे। आपने सुना होगा कि अकबर के दरबार में नवरत्न थे, नवरत्न, तो इसमें एक ये भी थे। और उस समय जो वित्त अधिकारी होता था मतलब कि राजस्व मंत्री, उनको एक नए नाम से जाना जाता था, ये था अब मुशरिफ ए दीवान। तो 1575 में ये मंत्री बनाए गए थे टोडरमल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त कर दिया था? देखिए जजिया एक धार्मिक कर हुआ करता था। धार्मिक कर मतलब कि अगर आप कोई धार्मिक काम करेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा और ये टैक्स केवल मुसलमानों के लिए माफ था। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको टैक्स नहीं देना है लेकिन अगर आप मुसलमान को छोड़ करके हिंदू, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन कुछ भी हैं तो अगर आप कोई धार्मिक काम करेंगे, यात्रा पे जाएंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसको खत्म किया गया था किसके द्वारा, ये आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन में 2 बार पूछा गया था, 15 में और 17 में, एक बार 10+2 में और एक बार दिल्ली पुलिस SI में पूछा गया है। देखिए ये जो राजा था ये था अकबर। अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ये जजिया कर मुख्यतः हिंदुओं से लिया जाता था। हिंदू आप ना कह के अगर आप गैर मुस्लिम कहें तो अच्छा है। तो इसको अकबर ने हटा लिया था। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल किसके अधीन सेवा की थी? मतलब कि टोडरमल किसके अधीन काम करते थे? ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। देखिए आपने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा, यहां पर पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था टोडरमल के बारे में जो कि अकबर के राजस्व मंत्री थे, लेकिन यहाँ पे तो अकबर ऑप्शन में है ही नहीं, तब क्या करेंगे? आपका सही उत्तर होगा शेर शाह सूरी। दरअसल जब ये अकबर के दरबार में काम करने वाले थे उससे पहले ये शेर शाह सूरी के दरबार में काम कर रहे थे और जब सूरी वंश का तख्ता पलट हो गया तो ये इतने काफी मतलब प्रभावी थे कि इनको अकबर के दरबार में भी जगह मिली। अगला है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? महाभारत का फारसी में भी अनुवाद कराया गया था, किसने कराया ये कहा पूछा गया है आपसे इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। सही उत्तर है बदायूं। ये बदायूं को आदेश कौन दिया था? अकबर कहा था। अकबर के आदेश पर जो फैजी थे और बदायूनी थे इन्होंने महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया और जब इसे अनुवाद कर दिया गया तो इसको नाम दिया गया रज नामा का, रज नामा का। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और बदायूनी ने इसके अलावा रामायण का भी ट्रांसलेशन किया था। किस भाषा में? फारसी में। अगला है कि पुराना किला किसने बनवाया? ये है ऑप्शन और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। CHSL 10+2 LDC DEO, बताइए पुराना किला दिल्ली में है, हमने इतना बता दिया, अब बताइए। ये दिल्ली के सबसे पुराने किलों में है और यह अफगान शासक जो था शेर शाह सूरी उसके द्वारा बनाया गया था। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है
कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, बिहार में है, बिहार सासाराम एक जगह है, वहीं पे सासाराम में। निम्नलिखित में से कौन पेशावर सदन का संस्थापक था? पेशावर सदन मतलब पेशावर आवास कहिए, पेशावर हाउस कहिए, तो ये जो संस्थापक थे इनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1714 में। अगर आप पेशवाओं के क्रम में देखेंगे तो ये ब्राह्मण परिवार से आते थे और ये पहले पेशवा थे। 18वीं शताब्दी में इनका काफी अच्छा प्रचार प्रसार था। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित में से कौन से राजा के राजकवि थे? पंडित जगन्नाथ एक मुगल राजा है, हमने आपको इतना बता दिया। वैसे क्या बताना, ये सारे ऑप्शन ही मुगल है तो बता सकते हैं अगर आप। तो ये है शाहजहां। ये क्वेश्चन 10+2 स्टेनोग्राफर सी और डी में पूछा गया था 2016 में। तो सही उत्तर है शाहजहां। शाहजहां के दरबार में एक कार्यरत व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है कि शाह शुजा मुराद बख्श के बड़े भाई कौन थे? ये क्वेश्चन बेहतरीन है और ये मुगल शासक है। सीपीयू में पूछा गया था 2016 में, पहले पहले पाली में। तो बताइए, ये थे दारा सिको। दारा सिको। अगर आप शाह शुजा के बारे में जानना चाहें तो जो इनका टाइम पीरियड है ये 1616 से लेकर 1661 तक। और औरंगजेब का तीसरा इसमें औरंगजेब इसमें तीसरा पुत्र था, मतलब ये सारे लोग औरंगजेब के थे। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असरा की उपाधि दी गई थी? नादिर उल असरा ये दी गई थी मंसूर को। अगर आप जहांगीर के बारे में देखेंगे तो ये रूल किया था 1605 से लेकर के 1627 तक, ठीक है। और ये खुद बड़ा पेंटर था, पेंटरों का बड़ा कद्रदान था, पेंटर था इसीलिए। और इसकी जो बीवी थी यही रूल करती थी, बस नाम था कि मतलब जहांगीर रूल कर रहा है। और इस समय जो मंसूर उस्ताद मंसूर उस्ताद मंसूर इनको उपाधि दी गई थी नादर उल असरा की। ये क्वेश्चन सीपीओ एसआई में पूछा गया था 2016 में। कौन सा स्मारक गुलाबी रंग का है? ये सारे स्मारक है, बताइए कौन सा गुलाबी रंग का है? ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। देखिए इसे पैलेस ऑफ विंड्स भी बोलते हैं, पैलेस ऑफ विंड्स। इतना हिंट दे दिया, अब तो आपको बता ही देना चाहिए। हवा महल, हवाओं का महल यानी कि हवा महल। तो हवा महल ये कहां पर स्थित है, क्या आप बताएंगे? 2 सेकंड हम देते हैं, बताइए हवा महल कहां पर स्थित है? यह है राजस्थान में। राजस्थान के किस शहर में? जयपुर में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और इसको बनवाया गया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 1799 में। तो याद रखिए बहुत बार पूछा गया है ये कि कहाँ पर है। 17वीं सदी में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया? गुरिल्ला मतलब क्या होता है? जैसे अगर आपके पास कम सैनिक है तो आप क्या करेंगे, पहाड़ों पे जो रास्ते तो पहाड़ पे छुप के रहते थे। जब भी कोई टोली जाती थी सैनिकों की राजाओं की, उन पे छुप के आक्रमण किया जाता था, तो ये गुरिल्ला युद्ध कहा गया। तो जैसे गुरिल्ला एक जाति होती है बंदरों में, तो उसी तरह ये शुरू किया गया था शिवाजी के द्वारा। ऐसा माना जाता है कि जो महाराजा शिवाजी हैं ये इसका शुरुआत किए और इसका परिणाम ये हुआ कि लगभग 1674 में मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई और शिवाजी बचाव करने पीछे हटने के कला में माहिर थे। मुगल सेना ने इन पे कई बार हमला किया लेकिन मुगल सेना को काफी हर्जाना भुगतना पड़ा। अगला है कि शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड किन क्षेत्रों को जोड़ता है? ग्रैंड ट्रंक रोड ये जोड़ता है लाहौर से पूर्वी बंगाल को। किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। यह अफगान राजा था और उस समय बिहार के सासाराम में रूल करता था। अगर आप देखेंगे इस रोड को तो ये चिटगांव बांग्लादेश से होते हुए पश्चिम में हावड़ा, इसके अलावा पश्चिम बंगाल जो कि भारत में है, गुजरते हुए अमृतसर और लाहौर पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान में काबुल तक जाता है। कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है? पत्थरों का स्वप्न कौन है? इसे कहते हैं ड्रीम इन स्टोन। ड्रीम इन स्टोन पत्थरों का स्वप्न। और यह है पंच महल।
पंचमहल कहाँ पर है क्या बताएंगे? 2 सेकंड। फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में। इसको शाहजहां, अकबर का जो पोता था शाहजहां, इसने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? ये आपके ऑप्शंस हैं, और देखिए ये कई सारे इसमें विकल्प सही हो सकते हैं। अगर आप जहांगीर की बात करते तो थॉमस रू हो जाता, विलियम हॉकिंग भी आया था। किसके टाइम पीरियड पे क्या बता पाएंगे? 1609 में ये आया था जहांगीर के दरबार में। ये आया था 1612 में, ये भी आया था जहांगीर के दरबार में। इब्न बतूता कब आया था? ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, जो तुगलक वंश का था। तो अगर आपको सबके बारे में पता हो तो आप आसानी से बता पाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ये होगा मनुची। मनुची कह सकते हैं, ये आया था 1653 में, रहा 1708 तक। ये मुगल दरबार में शाहजहां के समय पे आया था, और यह यहाँ पर ज्ञान लेने आया था, आप ये कह सकते हैं। औरंगजेब के दरबार में भी कुछ समय तक रहा। अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? अबुल फजल, ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है। तो अबुल फजल थे शेख मुबारक के, शेख मुबारक नागौरी के पुत्र थे, और यह अकबर का वजीर और अकबरनामा के लेखक हैं। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल, ये आप याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी? अमृतसर जो कि आप आज पंजाब में है, तो अमृतसर की आधारशिला किसने रखी ये पूछा गया है, कब रखी ये भी पूछा जा सकता है। ये है गुरु रामदास, और इन्होंने रखा था 1534 से लेकर के 81 इनका टाइम पीरियड है, और 1577 में इन्होंने ये आधारशिला रखी। तो नाम याद रखिए, गुरु रामदास। अब अपना क्वेश्चन काउंट करते रहिए, और वीडियो खत्म होते होते आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना किया है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता का, ना कि बुद्धिमता का स्मारक कहा? देखिए अकबर ने 1582 में एक धर्म बनाया था दीन ए इलाही। इसमें कहा गया था कि जो सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें हैं, क्योंकि बुराई तो सब धर्म में है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हर जगह कुछ न कुछ अंधभक्ति है ही। तो ये कौन है जिसने कहा कि जो अकबर का दीन ए इलाही धर्म था ये उसकी मूर्खता को बताता है? ये कहा गया था एक ब्रिटिश भारतविद कलाकार इतिहासकार के द्वारा। ये है विसेंट स्मिथ। इन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ डार्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें इन्होंने इस बात का जिक्र किया है। अकबर का मकबरा किस स्थान पे है? शानदार क्वेश्चन है, टायर 1 में पूछा गया था। देखिए सीजीएल में पूछा गया है तो कहना ही नहीं। चलिए बता देते हैं, उत्तर प्रदेश में है। अब बताइए, चारों ऑप्शंस आपके उत्तर प्रदेश में है। सही उत्तर है सिकंदरा में। कहाँ पर है ये? आगरा में। और ये जो 1605 से लेकर के 1613 में जो वास्तुकला बनी, उसी में के दौरान ये बनाया गया था, क्योंकि अकबर की डेथ हो जाती है 1605 में, उस समय इसका बेटा रूल करने लगता है, इसका नाम था जहांगीर। वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? पुरंदर की संधि हुई थी तो इसका डायरेक्ट उद्देश्य क्या था? कई बार पूछा गया किसके किसके बीच, बता पाएंगे? चलिए एक तरफ हम बता देते हैं, एक तरफ आप बताइएगा। एक तरफ थे शिवाजी महाराज, दूसरे तरफ कौन था? राजा जयसिंह। यहां पे शर्त ये थी कि शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच जो भी विवाद का बीच होगा उसको हम खत्म करेंगे, जो भी बातें होंगी उनको आपस में बात करके खत्म किया जाएगा। ये टायर 1 में पूछा गया था। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया? ये तो आसान क्वेश्चन है, अगर आप इससे पहले वाली वीडियो को देखे होंगे तो आप आसानी से बता पाएंगे। चलिए हम बता देते हैं, 1526 में पहली बार किया गया। ये भी बता देते हैं कि इब्राहिम लोदी के खिलाफ किया गया। ये भी बता दे रहे हैं कि वह एक मुगल शासक था, और वह भारत पहली, मतलब कि भारत से, भारत के बाहर से आया था, और यह था बाबर, बाबर था। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? अकबर के दरबारी संगीतज्ञ कौन थे ये आपको बताना है। ये थे तानसिंह, मियां तानसिंह आप कह सकते हैं। ऑप्शन के अनुसार ये सीएचएसएल में पूछा गया था 2017 में, शिफ्ट 2 में।
और इनको करीब करीब 1562 में बनाया गया था। देखिए, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और अगर आप शेयर करेंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे। हर रोज़ शाम को आप इसे लाइव होकर देख सकते हैं। वैसे पहले वाली वीडियो को भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख पाएंगे। बहादुर शाह प्रथम का जन्म कब हुआ था? बहादुर शाह प्रथम, इसका जन्म हुआ था 1643 में। क्या बता पाएंगे डेट? तो 14 अक्टूबर को। कहाँ पे? बुरहानपुर में। और ये औरंगजेब की जो दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था नवाब बाई, उसका बेटा था। औरंगजेब 1658 से 707, ये इसका टाइम पीरियड है, या किस वंश का शासक है? अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, ये टायर 1 2017 में पूछा गया था। नंद, मुगल, मौर्य और हर्यक, ये आप देखेंगे कि बहुत पहले पूछा गया था, मतलब पहले हैं। ये है मुगल का, मुगल का। औरंगजेब के बेटे का नाम बता सकते हैं आप? औरंगजेब का किसी एक बेटे का नाम बताइए कमेंट करके। अकबर के शासनकाल में सेनापति कौन थे? सेनापति, अकबर के सेनापति। तो अकबर के सेनापति थे, बताइए। यहां पे हम एक सेकंड रुक रहे हैं, तो और तब तक सभी लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। ये थे मीर बख्शी। ये क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा गया था टायर 1 में 2017 में, तृतीय पाली। किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की? ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, एक बार 2014 में पूछा गया था, अब 2017 में इन्होंने पूछ लिया। गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की गई थी शिवाजी के द्वारा, और शिवाजी के बारे में हमने आपको अच्छे से बता दिया है। पंचमहल किस में स्थित है? पंचमहल किस में स्थित है, कहाँ पर है? यूपी में है। चलिए, अब आपका कुछ हमने आसान कर दिया, अब आपका इन्हीं दो में से ही बताना है। सही उत्तर है फतेहपुर सीकरी, सीएचएसएल टायर 1 में पूछा गया है। शिवाजी महाराज जो कि उनका टाइम पीरियड है ये 1674 से 1680, ये इस दौरान राजा रहे किस वंश के? सीएचएसएल में पूछा गया है, मराठा में। किसके? मराठा में। क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाजा किस किले में स्थित है? बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा है कहाँ पर बताइए? हम बता दें आपको कि अकबर ने बनवाया था, जब गुजरात विजय हुआ तब अकबर ने इसे बनवाया। यूपी में है, यह है फतेहपुर सीकरी। देखिए, आपके ये टेस्ट वीडियो है, टेस्ट, अगर आप इसे टेस्ट के रूप में लेंगे, पेपर और पेन लेके बैठेंगे, तो ही आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। नहीं तो फिर आप वैसे अगर आप केवल देख रहे हैं तो बस भूल जाएंगे थोड़ी देर में, एक दो दिन में। तो जरूरी है कि पेपर पेन लेके बैठिए, जो उत्तर पता है उसका नंबर लिख करके उसे उत्तर बताइए। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच में लड़ी गई? पहली पूछा होता तो आप बता देते, बाबर और इब्राहिम लोदी, लेकिन पूछा गया है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था ये भी तो जानिए, 5 नवंबर 1556 को, और एक था अकबर और एक तरफ थे हेमू। देखिए, अगर आप 1556 की बात कर रहे हैं तो इस समय अकबर केवल 14 साल का था, क्योंकि अकबर का जन्म हुआ था 1542 में, तो 14 साल का लड़का क्या युद्ध करेगा? लेकिन अकबर के समय, अकबर के तरफ से एक व्यक्ति ने रूल किया जो कि अकबर का संरक्षक था, क्या उसका नाम बता पाएंगे? बैरम खान। और ये हेमू जो कि जब हुमायूं मर गया तो हेमू ने कब्जा कर लिया, और हेमू को कहा जाता है कि ये अंतिम हिंदू शासक था। कौन युग में सही नहीं है? सही नहीं है ये बताना है आपको, इनमें से बीरबल वित्त मंत्री नहीं थे, बीरबल टोडरमल वित्त मंत्री थे, अभी हमने आपको बताया था टोडरमल वित्त मंत्री थे। फैजी कवि हैं, अबुल फजल सलाहकार हैं, इन्होंने अकबर वाली बुक भी लिखी थी, लेकिन ये आपका गलत है, ये 2017 में एसआई में पूछा गया है। आमेर का किला किसने बनवाया? बड़ा आसान क्वेश्चन है, आमेर का किला, आमेर का किला बनवाया गया था राजा मान सिंह के द्वारा, ठीक है। टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? ये तो बिल्कुल आसान हो गया, टोडरमल। देखिए, पहले तो ये शेरशाह सूरी में भी थे,
लेकिन यहाँ पे अगर आप सन देखेंगे तो शेरशाह सूरी है नहीं, बाद में अकबर में बने, यानी कि अकबर उत्तर होगा। ये सीजीएल टायर वन में पूछा गया है। आमेर का किला किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन है अकबर, राजा मान सिंह, उदय सिंह, महाराणा प्रताप। ये क्वेश्चन देखिए एसएससी, सीए, पीएफएस, एएसआई दिल्ली पुलिस एसआई और एएसआई परीक्षा 2017 में पूछा गया था प्रथम पाली में। तो प्रीवियस ईयर पेपर देखने के कई सारे फायदे हैं, आपने कई टीचरों से सुना होगा। यहाँ पे देखिए आपका जो सही उत्तर होगा ये होगा राजा मानसिंह। वर्तमान में अगर आमेर के किले की बात करें तो ये अजमेर के जो राजा थे उनका नाम था राजा मानसिंह, उनके शासनकाल के दौरान में ये बनवाया गया था। और ये बस एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि ये कहाँ पे है, तो ये है राजस्थान में, राजस्थान जिसकी कैपिटल है जयपुर, जिसको पिंक सिटी भी बोला जाता है, गुलाबी शहर। अगला है कि टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, कई बार पूछा गया है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से बता सकते हैं। देखिए टोडरमल की हम बात करें तो ये मुगल वंश में मंत्री थे ही, लेकिन इससे पहले भी एक बार मंत्री बनाए गए थे, और उस समय जो वंश चल रहा था वो था सूरी वंश, मतलब कि शेरशाह सूरी के दौरान ये मंत्री बनाए गए थे। बाद में जब सूरी वंश का पतन हो जाता है तब आता है मुगल वंश, और मुगल वंश में अकबर के टाइम पीरियड पे ये राजस्व मंत्री थे, जो कि एक काफी बड़ा पद आप कह सकते हैं। अकबर के दरबार में जो नौ रत्न थे उसमें ये भी रहते थे। निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हर किशन के उत्तराधिकारी थे? आपके विकल्प, और ये क्वेश्चन टायर वन में पूछा गया है, सीजीएल टायर वन में पूछा गया है। देखिए तो अच्छा क्वेश्चन है ये 2017 में। सिख गुरु हर किशन के उत्तराधिकारी और ये थे गुरु तेग बहादुर। अगर आप हर किशन के बारे में देखें तो ये आठवें सिख गुरु थे, आठवें सिख गुरु, और इसके अलावा इनके नौवें सिख गुरु को करीब करीब 1664 गुरु तेग बहादुर के रूप में नियुक्त किया गया था। इस्लाम स्वीकार इन्होंने नहीं किया और इनका सिर काट दिया गया था, इसके लिए आप इनको जीके में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती कौन थे? उत्तरवर्ती और परवर्ती, परवर्ती मतलब उससे पहले, उत्तरवर्ती मतलब कि उसके बाद। तो क्वेश्चन पढ़िए और आपका विकल्प आपके स्क्रीन पर है, सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। वैसे जब आप ये वीडियो शुरू कर दिए हैं तो आपको करना चाहिए, एक पेपर लेकर बैठना चाहिए, उसमें जो भी नंबर हो क्वेश्चन का जैसे यहाँ पे दिख रहा है उसको लिख लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन का उत्तर पता है तो क्वेश्चन देखने के साथ ही उसे ट्रिक कर लीजिए कि आपका ऑप्शन ए सही है या फिर बी सही है। नहीं पता है तो यहाँ पे डैश मार लीजिए। वीडियो खत्म होते होते आपका जो रिजल्ट होगा आपके पेज पे होगा। अब आप में से कई सारे लोग होंगे जिनको ये बकवास लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल सही है। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपका वीडियो खत्म होते होते रिजल्ट मिल जाएगा। आप कमेंट करके उत्तर बताएं, ये जरूरी है, लेकिन इस तरह आप अपने को चेक कर सकते हैं। इसके लिए सही उत्तर है मुगल, मुगल थे तैमूर के परवर्ती, परवर्ती मतलब कि पहले के। अकबर वर्ष की अवस्था में सम्राट बना? अकबर कितने साल का था जब सम्राट बना? अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको दो विकल्प, मतलब कहीं कहीं पे आपको दो विकल्प दिए जाते हैं, इसमें तो एक ही विकल्प सही है और ये सही है 13 वर्ष का, क्योंकि अकबर की जन्म हुआ था 1542 में, कहीं कहीं आपको ये 1543 मिलता है, कहीं कहीं आपको 42 मिलता है, तो दोनों विकल्प आपको नहीं मिलेंगे। अगर दोनों विकल्प किसी परीक्षा में मिल भी गए कि मतलब कि 42 में कि 43 में, तो आप 42 वाले को ही ट्रिक करिएगा। अब यहाँ पे अगर हम 43 मान लें तो इसको 1556 में राजा बनाया गया था, तो ये हो जाएगा 13 साल, यानी कि आपका उत्तर होगा 13 साल। कहीं कहीं आपको 14 साल उत्तर मिलेगा। अगर दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो आप 14 को ट्रिक करिए, वैसे दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा। ये सीजीएल टायर वन में पूछा गया था। अकबर के पिता का क्या नाम था? हुमायूं। हुमायूं कब से कब तक रूल किया? 1530 से लेकर के 1540 तक। इसके अलावा 1555 से लेकर के 1556 तक। इसके हुमायूं के पिता क्या क्या नाम था? बाबर। बाबर कब से कब तक रूल किया? 1526 से लेकर 1530 तक। बाबर, हुमायूं, उसके बाद आता है अकबर, अकबर के बाद आएगा जहांगीर, जहांगीर के बाद आएगा शाहजहां, शाहजहां के बाद आएगा औरंगजेब,
तो इस तरह इतना क्रम तो आपको याद ही होना चाहिए। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ताजमहल जो कि आगरा में है, इसके वास्तुकार बनाने वाले इनका नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी को इनको मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। और आप देखेंगे तो ये करीब करीब 1632 को बनाया जाना शुरू हुआ, लगभग 1652 में ये कंप्लीट हो गया था। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर वन में पूछा गया है 2017 में। शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था सीजीएल के टायर वन में। तो आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। देखिए, अगर आप शेरशाह सूरी के बारे में देखेंगे और मुगल शासक के बीच, तो शेरशाह सूरी वैसे तो अफगान राजा था, लेकिन भारत में ये सासाराम में रूल करता था। सासाराम आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए, बिहार, यहां पे रूल करता था। तो जब बाबर भारत आया, मतलब 1526 में आया, 1530 में मर गया, इसके बाद हुमायूं रूल करने लगा, इसका बेटा था, चार बेटों में से यह पहला था। तो जब हुमायूं रूल कर रहा था 1530 से, तो ये रूल करते करते जब 1539 आया, तो ये अपना राज विस्तार कर रहा था, कई राजाओं को हरा चुका था, तब इसने शेरशाह सूरी पर आक्रमण किया। बदले में जो युद्ध हुआ, ये हुआ 1539 में, जिसे कहा गया चौसा का युद्ध होता है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें हुमायूं बुरी तरह से पराजित हुआ, मतलब कि हुमायूं हार गया। फिर भी इसके पास काफी सेना थी, क्योंकि ये लोग 15 साल से यहाँ पे जमे हुए थे और काफी प्रभावशाली थे। फिर से अगले साल एक युद्ध होता है 1540 में, और उस युद्ध में फिर से हुमायूं हार गया। जब हुमायूं दो युद्धों में हार गया, तो ये अपना जान बचा करके कैसे भी इंडिया से अपना राजपाट छोड़ करके बाहर भग गया। जब ये बाहर भग गया, तो वहीं पे इसकी शादी होती है, और इसका जो बेटा है उसी का जन्म 1542 में होता है। तो आपको ये जो दोनों युद्ध हैं, ये याद रखना है इनका नाम, जैसे कि 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में बिलग्राम का युद्ध। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, और मुगल और शेरशाह सूरी के बीच में यही दो युद्ध हुए थे। इसके अलावा जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई, तब जाकर के हुमायूं भारत में वापस आ पाया। अगला है कि किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य की राजधानी अस्थायी तौर पर आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? अस्थायी तौर पर, यह क्वेश्चन स्टेनोग्राफर में पूछा गया है 2017 में। सही उत्तर है शाहजहां। देखिए, शाहजहां की बात करेंगे तो ये अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाया कब? 1638 में। 1638 में ये अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया। और अगर आप से क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए आगरा किस नदी के तट पे है? आगरा और दिल्ली दोनों एक ही नदी के तट पे हैं, तो आप बताइए कि दोनों में से किसी और को बता दीजिए, किसी को भी, कि ये किस नदी के किनारे स्थित है। जैसे कि वाराणसी की बात करेंगे तो गंगा नदी है, कानपुर की बात करेंगे तो भी गंगा है, इसके अलावा कई सारी नदियां हैं, अयोध्या की बात करेंगे तो सरयू है, तो आप बताइए कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। अगला है कि किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार देने वाला एक फरमान जारी किया था? कौन है? देखिए, यहां पे अगर आप देखेंगे, ये क्वेश्चन इसी तरह पूछा गया था साइंटिफिक असिस्टेंट वाले में, लेकिन यहाँ पे कोई उत्तर उतना सही नहीं है, क्योंकि जो वो व्यक्ति है फरमान वाला, ये कर मुक्त की बात करें तो उनका नाम था फारूक सियार। करीब 1717 में एक फरमान जारी किया, जिसके अनुसार कंपनी को बंगाल, ये जानना बहुत जरूरी है कहां कहां पे, बंगाल, बंबई, इसके अलावा मद्रास, इसमें कहा कि आप कोई भी टैक्स नहीं देंगे, आप जाइए व्यापार करिए, और एक बार एक मुश्त टैक्स हमको दे दिया करिए। और यही सबसे बड़ी गलती थी फारूक सियार की, हालांकि ये क्वेश्चन गलत था जो कि एसएससी में पूछा गया था। अगला है कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये तो बड़ा आसान है, एसएससी जेईई सिविल एग्जाम 2018 के
पहले सिटिंग में पूछा गया है? सही उत्तर है बाबर। कोई भी बता देगा 1526 को आया, 1530 तक रूल किया। तो जब ये 1526 में आया तो कौन सा युद्ध किया, क्या बता पाएंगे? ये था पानीपत 1526 में। किसको हराया? तो इब्राहिम लोदी को। अगला है कि गुरु गोबिंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी और उन्होंने फारसी कहाँ पे सीखी थी? ये क्वेश्चन सिविल में, जेई सिविल में पूछा गया है, सेकेंड सीटिंग में, उसी दिन जो पेपर हुआ था। ये हुआ था आनंदपुर साहिब में। इनकी अगर हम बात करें तो गुरु गोबिंद सिंह करीब करीब 1666 में बिहार के पटना में जन्मे थे और ये सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे और आनंदपुर साहिब में इनकी शिक्षा प्राप्त हुई और वहीं पे इन्होंने फारसी सीखी। इन्होंने एक पंथ की स्थापना की थी, क्या बता पाएंगे वो कौन सा पंथ था? ये था खालसा पंथ। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब ये किया गया था इनके द्वारा, 1699 में, तो ये भी जानिए। देखिए, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करने के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ पाएं। और आपको एक बार और बता दें कि अगर आप चाहते हैं इस तरह के क्वेश्चनों का टेस्ट देना, PDF डाउनलोड करना, तो एप्लीकेशन पे जाइए, ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर आप देखिए 500 PDF, 500 किसी में 5000 क्वेश्चन एक ही PDF में आपको मिल जाता है। कंबाइंड वीडियो भी आप वहां पे जाके देख पाएंगे। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है कि मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? देखिए, फारसी में अनुवाद किया गया था मुगल काल में महाभारत का और उसका जो नाम था ये था रज्जनामा। रज्जनामा ये अकबर के कहने पे किया गया था और ये जो टाइम पीरियड है ये 1574, तो रज्जनामा के नाम से जाना जाता है। फारसी मतलब कि क्या? पर्सियन। अगला है कि अकबर के समय पे मुगल साम्राज्य का पश्चिमांचल सीमा क्या थी, मतलब पश्चिम में उसका बॉर्डर क्या था? बात हो रही है अकबर की। अगर आप अकबर के टाइम पीरियड की बात करेंगे तो अकबर का टाइम पीरियड है 1556 से लेकर के 1605 तक। ये क्वेश्चन CHSL Tier 1 2018 में पूछा गया है, तो बताइए। यह है हिंदू कुश। हिंदू कुश, देखिए अगर हम बात करें कि हिमालय से लेकर दक्षिण तक किसका राज फैला हुआ था, अकबर महान के नाम से जानते हैं और हिंदू कुश उस समय कहा जाता था, लेकिन इसका नाम क्या है? यह है कंधार। कंधार मतलब आज का कंधार, उस समय का हिंदू कुश। निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन तो काफी आसान है। जिंदा पीर किसको बोलते हैं? जिंदा पीर बोलते हैं औरंगजेब को। औरंगजेब को जिंदा पीर या फिर और भी नाम है जैसे कि लिविंग सेट, लिविंग सेंट। क्या होता था कि ये मतलब कि काफी क्रूर राजा था। ये अपने मतलब राजपाट में नृत्य को, डांस नृत्य को, कोई संगीत कार्यक्रम को बैन कर दिया था और ये सादा जीवन बिताता था, इसीलिए इसको जिंदा पीर कहा गया है। निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण करवाया था? ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। ये कराया गया था अकबर के द्वारा। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया और पंचमहल का निर्माण भी कराया। अब पंचमहल को हवा महल से कंफ्यूज मत करिएगा। हवा महल राजा सवाई सिंह के द्वारा बनवाया गया था राजस्थान में। पंचमहल बनवाया गया अकबर के द्वारा कहां पे? उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पे 5 मंजिलें हैं। ये क्वेश्चन SI दिल्ली पुलिस SI ऑनलाइन परीक्षा 2017 में पूछा गया था। अगला है कि हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया? अभी हमने आपको बताया, एक बार याद दिला दें कि 1539 में हुआ ये चौसा का युद्ध। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस SI में पूछा गया है, SSC द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये तो SSC में पूछा गया है, हमको इससे क्या, लेकिन नहीं, आपके स्टेट लेवल में या फिर आपके किसी भी वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, दो युद्ध हुए थे हुमायूं के द्वारा जिसमें दोनों में हार गया। 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध, 1540 में हुआ था बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, तो चौसा और बिलग्राम दोनों में इसको हराया कौन? शेर शाह सूरी ने।
शेरशाह सूरी ने, जो कि सूरी वंश का राजा था, अफगान राजा था, भारत के सासाराम में रूल करता था। देखिए सासाराम से याद आया कि जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई तो इसका मकबरा भी सासाराम में ही बनाया गया। सासाराम मतलब बिहार। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? कितने आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएससी में, आप देखेंगे कि अगर आप इसको अच्छे से देखे होंगे तो हमने आपको कई बार बता दिया 1526, राजा था इब्राहिम लोदी, युद्ध हुआ पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध 1526। चलिए क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि आप कमेंट करके बताइए, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, यह बताएंगे कमेंट करके। बढ़ते हैं आगे और ये अगला क्वेश्चन है कि लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, लाल किला पूछ लिया जाए या फिर जामा मस्जिद पूछ लिया जाए या फिर ताजमहल पूछ लिया जाए, तो बताइए। ये किया गया था शाहजहां के द्वारा। शाहजहां किसका बेटा था, क्या बता पाएंगे? जहांगीर का। जहांगीर किसका बेटा था? अकबर का। अकबर हुमायूं का। हुमायूं बाबर का। ये सारा आपको पता होना चाहिए। अपनी माता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? देखिए मुगल की अगर हम बात करें तो ये दो वंश जो से मिश्रण थे, मतलब कि माता कोई और वंश की थी, पिता कोई और वंश की। पूछा गया है माता के बारे में, एमटीएस में पूछा गया था, काफी टफ क्वेश्चन कहेंगे इसको। सही उत्तर है चंगेज खान। चंगेज खान, इनके जो पिता थे ये तुर्क मंगोल थे और तैमूर से थे, और माता चंगेज थी, मतलब पिता तैमूर और माता चंगेज, तो इनसे मिलके बना मुगल। ये एमटीएस में पूछा गया है 2017 में। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? काफी आसान क्वेश्चन है, सीएचएसएल टायर वन में पूछा गया था 2018 में, बिल्कुल आसान है। कब पूछ ले तब थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। ये हुआ था तलवंडी में। तलवंडी कहाँ पर है? लाहौर में, ठीक है, लाहौर में। और अगर इस समय देखेंगे मतलब तलवंडी के बारे में, तो इसको हम कहते हैं ननकाना साहिब। ननकाना साहिब कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 को। देखिए ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी जरूर हो रही है, लेकिन यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिल रहे हैं जो आपका अलग से क्वेश्चन तैयार हो रहा है। बाबर ने गाजी की उपाधि निम्नांकित में से किस युद्ध के पश्चात धारण की? मतलब बाबर ने खुद को गाजी कहा, गाजी मतलब क्या होता है? तो ये होता है विश्वास का योद्धा, खुद को गाजी कहा, तो इसने स्वयं को एक जब उपाधि दी गाजी का, तो ये किस युद्ध में दिया? ये युद्ध था खानवा का। खानवा का, खानवा का युद्ध कब हुआ था ये भी पूछा जा सकता है, 1527 में, 1527 में। और इसी समय इसने जिहाद का नारा दिया था, जिहाद का। सिख धर्म को निम्नलिखित में से किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? सिख धर्म को किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? देखिए अगर, चलिए पहले बता लीजिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यह किया गया था 15वीं-16वीं शताब्दी में। अगर मतलब कि कौन किया था? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव का टाइम पीरियड क्या है? 1469 से लेकर 1539 तक, ठीक है। तो ये हुआ था 15वीं-16वीं शताब्दी में। इस समय 2020 चल रहा है, तो कौनवीं शताब्दी चल रही है? आपके ऑप्शन है 20वीं, 19वीं, 21वीं या फिर 22वीं। 2020 कौनवीं शताब्दी में होगा? काफी आसान क्वेश्चन है। गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? जजिया कर मतलब कि जो मुस्लिमों को छोड़ करके बाकी अन्य से लिया जाएगा, जो कि एक धार्मिक टैक्स होगा, मतलब अगर आप कोई धर्म का काम करेंगे तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा। कौन लागू किया? ये लागू किया था अहमद शाह प्रथम ने 1411 से 1442 है इसका टाइम पीरियड, और इसने 1414 में ही जजिया कर की शुरुआत कर दी थी। जजिया कर को 1564 में अकबर के द्वारा हटाया गया, बाद में इसे औरंगजेब ने फिर लगा दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन का उत्तर था ऑप्शन नंबर पहला, सीएचएसएल टायर वन में पूछा गया है। मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखरेख करने वाला अधिकारी
निम्नलिखित में से कौन था मराठा काल में? देखिए हर समय अलग अलग, उनका नाम अलग अलग होता था। मराठा काल में जो गांव का, गांव के प्रशासन को देखते थे, उनका नाम था पाटिल। पाटिल CHSL टायर 1 में पूछा गया है। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया? अभी अभी हमने आपको बताया है, पहले लगाया अहमद शाह 1414 में, उसको हटाया अकबर कब 1564 में, फिर से लगा दिया कौन, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। फिर से लगाया गया 1679 में औरंगजेब के द्वारा। पिछले ही क्वेश्चन में हमने आपको ये बताया था, ये CHSL टायर 1 में पूछा गया है 2018 में। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक साथ कई क्वेश्चन आपका तैयार होते चल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि फैजी किसके दरबार में रहते थे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फैजी के बारे में पूछा गया है, जो कि एक फारसी कवि थे, विद्वान थे, इनको राज कवि भी कहा गया है, मतलब इनको उपाधि दी गई थी, और इनकी उपाधि थी मलिक उस सूरा। मलिक उस सूरा मतलब कि राज कवि, कहने का मतलब ये रहते थे अकबर के दरबार में। आपका सही उत्तर होगा अकबर। अकबर के जो नवरत्न थे उसमें ये भी थे, और ये गजल उजल के कई सारे के रचयिता हैं, CHSL में पूछा गया है। नवरोज का त्यौहार किससे लिया गया है? जो मुगल नवरोज लिए हैं ये कहाँ से लिया गया है? नवरोज मतलब क्या होता है? चलिए पहले उत्तर बताइए तब बताते हैं। CHSL टायर 1 में पूछा गया है, नवरोज मतलब होता है नया दिन, और ये लिया गया है यहूदियों से। ये जो ईरानी नया वर्ष है इसको यहूदियों से लिया गया है। और अगर आप अकबर नामा को पढ़ते हैं या फिर जहांगीर की जो जीवन गाथा है तुजुक ए जहांगीरी, तो उसमें आपको इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो अकबर नामा अकबर की है, और मतलब तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर की है। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, अर्जुन देव के बारे में पूछा गया है, गुरु गोविंद सिंह नहीं, तो बताइए। ये थे पांचवें, सिखों के पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया है। और जो इनमें सिखों में आप देखेंगे तो 10 गुरुओं के बारे में ज़्यादा व्याख्यान मिलता है, तो इसमें ये पांचवें नंबर पे थे गुरु अर्जुन देव। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी है? देखिए रामायण की अगर हम बात करेंगे तो ये लिखी गई है संस्कृत में, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है रामचरितमानस को, जो कि लिखा गया है अवधी भाषा में। अगर आप गोस्वामी जी के बारे में जानें तो इनका जो टाइम पीरियड है 1532 से लेकर के 1623 तक है, मतलब इनके जन्म और इनकी मृत्यु, तो ये भी अकबर के दरबार में रहते थे, और हिंदी साहित्य में सबसे महान कवि माने जाते हैं। ये कांस्टेबल GD CAPS NIA SSF इसमें पूछा गया है 2019 में। असम के अहोम साम्राज्य और मुगल के बीच हुई सरायघाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तुरंत बताइए, ये हुई थी सरायघाट का युद्ध होता है 1671 में, और ये ब्रह्मपुत्र के तट पे लड़ा गया था, मतलब ब्रह्मपुत्र को आप जानते हैं, GD में पूछा गया था। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई? किस रानी के? इनका नाम है रानी, बताइए, CHSL टायर 1 में पूछा गया 2019 में, दुर्गावती। रानी दुर्गावती की मृत्यु हो जाती है, ये 1564 में इनकी मृत्यु हुई। वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? 1556 मुगल में कौन राजा बना, यही तो पूछा गया है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन CHSL में पूछा गया था। ये बना था अकबर। कितने साल का था आप बताएंगे? 14, कहीं कहीं मिलेगा 13, तो आप ऑप्शन पे देखेंगे, अगर 13 है तो 13, नहीं तो 14, तो सही उत्तर है ही। राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला सूरवीरों के सम्मान में छतरिया बनाई गई थी, जिन्होंने वर्ष 1568 में अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे? ये क्वेश्चन CHSL टायर 1 में पूछा गया है 2019 में। तो यहां पे देखिए आपसे पूछा गया है कि कौन सा किला है राजस्थान का, कौन सा किला है,
राजस्थान का ये जो किला है ये है चित्तौड़गढ़ किला। चित्तौड़गढ़ में अगर आप देखेंगे 1567-68 की ये घटना है, तो चित्तौड़गढ़ किला में इन लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए। जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? जात और सवार, जल्दी जल्दी आप कमेंट करके बताया करिए। सीजीएल में पूछा गया था 2019 में। मनसबदारी, मनसबदारी, देखिए जात और सवार उसी समय लाया गया था मनसबदारी में जब किसी को मनसब दिया जाता था। अगला है कि भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? ये भी क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है। कितने आसान क्वेश्चन थे सीजीएल में, ऐसे आसान क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। यह है बाबर, 1526 में भारत आया, इब्राहिम लोदी को हराया, पानीपत का पहला युद्ध लड़ा। अगला है कि अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को किसका खिताब मिला? मतलब इसका मतलब है विश्व विजेता, मतलब कि अकबर का बेटा था सलीम, उसको और किस नाम से जाना जाना जाता है? एक गाना है इस पे, तो ये है जहांगीर। अकबर की मृत्यु होती है 1605 में और जहांगीर राजा बना 1605 में, रूल किया 1627 तक। इसका बेटा कौन होगा आप कमेंट करके बताइएगा। जहांगीर का बेटा कौन था ये आप हमें कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासनकाल की विशाल उपलब्धि है? मतलब किसने बनवाया, सीधा सीधा यही पूछा गया है। सीजीएल टायर वन में पूछा गया था 2019 में। तो क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस समझिए और अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। सही उत्तर है शाहजहां, शाहजहां ने बनवाया और इसको वास्तुकार राजा के नाम से भी जाना जाता है, वास्तुकार राजा। अगला है कि हुमायूं के उत्तराधिकारी का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था। वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। मतलब हुमायूं का बेटा कौन था, सीधा सीधा ये पूछा गया है। ये था अकबर, कब जन्म हुआ? 1542 में, ठीक है। और ये जान लीजिए कि जब हुमायूं बाहर था, मतलब हुमायूं राजा बना है 1530 में, 1540 तक रहा, फिर ये बाहर चला गया क्योंकि हार गया था। और चौसा और बिलग्राम 1539 और 1540 का युद्ध हारा, बाहर चला गया। इसके बाद वहीं पे उधर ही अकबर का जन्म हुआ। तो जब अकबर 13 साल का था तो अकबर के पिता की मृत्यु हो गई। अगला है कि आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा गया है इस सेट में सीजीएल के। वैसे सीजीएल में आसान क्वेश्चन आते नहीं है। ये था शाहजहां, इसने बनवाया अपनी मुमताज महल की याद में ताजमहल आगरा में, किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। यही हमने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में क्वेश्चन में पूछा था। सिखों के 10 गुरुओं में से पांचवें गुरु कौन थे? देखिए वही क्वेश्चन एक बार और रिपीट हो गया। वहां दूसरे तरीके से पूछा गया था, यहाँ पे दूसरे तरीके से पूछा गया है। तो ये हैं गुरु अर्जुन देव, 10 में 10 लोगों में से पांचवें गुरु थे अर्जुन देव। गुरु ग्रंथ साहिब को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें इनके बारे में मिलता है। जहांगीर था राजा, इसने कहा कि इसका बेटा था, जहांगीर का जो बेटा था उसको गुरु अर्जुन देव आशीर्वाद दिए थे, और इसे जहांगीर काफी खपा था। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव से कहा कि तुम इस्लाम स्वीकार करो, और अर्जुन देव ने मना कर दिया, और इसके कारण 1606 में मार दिया गया गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा। ये सीजीएल में पूछा गया है क्वेश्चन। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः पाने के लिए किस सूरी राजा को हराया? देखिए शेरशाह सूरी से ये 2 बार हार गया था, चौसा के युद्ध में, कब? 1539 में। इतना बार आपको बता दिया जाएगा कि आपको यहीं पे याद हो जाएगा, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, दोनों में हार गया शेरशाह सूरी के द्वारा, भग गया बाहर। अब वहां से वो देख रहा था कि कब शेरशाह सूरी मरे, क्योंकि उसको पता था कि वह शेरशाह सूरी को हरा नहीं पाएगा। अब इसमें पूछा गया है कि किसको हरा करके वो अपनी सत्ता को पुनः पा गया। तो बताइए, सही उत्तर है सिकंदर सूरी। सिकंदर सूरी को
क्योंकि यहाँ पे शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और उसका जो उत्तराधिकारी था सिकंदर सूरी, ये राजा बना जो कि काफी छोटा था, और हुमायूं वापस आकर इसको हरा दिया। कब बताएंगे? 55 में। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक है, यहाँ पे भरिए कि इसने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाया। कौन है, किसने निर्माण करवाया? देखिए, इनको दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है, और ये हैं गुरु रामदास। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था 2019 में। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक है, किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पे पहुंच गया था? देखिए, जब से बाबर आता है तब से मुगल सम्राट जो इनका राज पाट था ये बढ़ना शुरू किया। ये बढ़ा जहांगीर तक, इसके बाद जब औरंगजेब आता है शाहजहां के बाद तब तक बढ़ा, लेकिन औरंगजेब के बाद नहीं बढ़ा। दुर्भाग्य से यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं इन्हीं के बीच में के हैं। अब आपको बताना है कि किसके टाइम पीरियड पे सबसे ज्यादा था, क्योंकि अंग्रेज आ गए और ये धीरे धीरे इनको अपने कब्जे में ले लिए। तो बताइए, सही उत्तर है अकबर। अकबर के टाइम पीरियड पे लगभग 50 वर्षों के शासन के पश्चात किसकी मृत्यु 1605 में हो गई और उसे आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया? कई क्वेश्चन छिपे हैं इस एक ही क्वेश्चन में। यह है अकबर, क्योंकि अकबर गद्दी संभालेगा 56 में, मर जाएगा 1605 में, और इसे दफनाया गया था कहाँ? कई बार पूछा गया है कि अकबर को कहाँ दफनाया गया, कई बार लोग आगरा बोल देते हैं क्योंकि अकबर को फतेहपुर सीकरी आगरा से काफी प्रेम था, लेकिन ऐसा नहीं है, उसे सिकंदरा में दफनाया गया। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पे बताना है कि किसको वास्तुकार राजा कहा जाता है। बस इसके आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने अभी आपको मुश्किल से 2-3 मिनट पहले बताया है वास्तुकार राजा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, सही उत्तर है शाहजहां। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था, बताइए 2019 में। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ तो फिल इन द ब्लैंक है, और बताइए कि वह कौन है जिनको मेहर उन्निसा से निगाह किया और उन्होंने उसको नाम दिया नूरजहां का, मतलब नूरजहां से कौन शादी किया, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। बाद में उनको नाम दिया गया मेहरुन्निसा, मतलब कि विश्व का प्रकाश। यह एक विधवा औरत थी और इसे शादी किया था जहांगीर। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है, यहाँ पे भी भरना है। देखिए, ये सब एक ही पेपर में एक ही शिफ्ट में पूछा गया था सीजीएल के। यहाँ पे है कि कौन अमृतसर में स्थित हरमिंदर साहब गुरुद्वारे जिसको स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदीकरण के लिए जाना जाता है, कौन है? देखिए, सारे क्वेश्चन लगभग लगभग एक ही तरह के पूछे जा रहे हैं। ये है महाराजा रणजीत सिंह, यानी कि आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। सर थॉमस रो ने इंग्लैंड के राजा के राजदूत के रूप में मुगल शासक के दरबार में दौरा किया था। पहले विलियम हॉकिंग आए 1609 में, जिनको परमिशन नहीं मिली। बाद में सर थॉमस रो आए 1613 में, जिनको परमिशन मिल गई। तो बताइए किसके दरबार में? ये दरबार था जहांगीर का, सीजल ने पूछा गया है। तुका रोई की लड़ाई कब लड़ी गई? देखिए, इसको एक और नाम से जानते हैं, बाजौर की लड़ाई, लेकिन आप बताइए कि तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई? ये लड़ी गई 1575 में। ये उड़ीसा के पास एक गांव है, वहीं पे ये लड़ाई हुई थी। कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई? कन्नौज की लड़ाई, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन लड़ा। तो अगर आपको हम मतलब कि डेट बता दें तो आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। इसको बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, आप बता पाएंगे? आप ये 1540 में हुआ था, अब आप बता पाएंगे? तो ये है पहला हुमायूं और दूसरा शेर शाह सूरी, जिसमें शेर शाह सूरी जीत जाता है। ये सीजीएल टायर 1 में पूछा गया था। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंग को किससे अनुमति लेने के लिए उनके दरबार में भेजा था? देखिए, बात हो रही है पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आने वाली थी तब की। यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 1608 में कौन भारत आया था? तो ये आया था विलियम हॉकिंग।
किसके दरबार में आया था? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, जो कि सीजीएल टायर वन का पेपर है, 2019 के थर्ड पाली में पूछा गया था 13 जून में। तो देखिए, ये आया था जहांगीर के दरबार में। अगर आपको सबका टाइम पीरियड पता रहेगा तभी आप आसानी से बता पाएंगे, क्योंकि बात की गई है 1608 का। हुमायूं का आप देखेंगे तो 1530 से 1540, फिर से 1555 से लेकर के 1556। इसके अलावा शाहजहां का, अकबर का पहले देख लीजिए, 1556 से लेकर के 1605। जहांगीर का देख लीजिए, 1605 से लेकर के 1627। तो आप देख सकते हैं कि 1608 में जब आया होगा तो इसी के दौरान पढ़ रहा है, आपको शाहजहां की जानने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यानी कि सही उत्तर होगा जहांगीर। अब विलियम हॉकिंग, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के फैक्ट्री खोलने के लिए अनुमति लेने आया जहांगीर से, लेकिन इनको परमिशन मिली नहीं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1613 में एक नए व्यक्ति को भेजा, जिनका नाम था सर थॉमस रो। सर थॉमस रो 1613 में आए और इनको यहाँ पे परमिशन मिल गई। परमिशन देना एक तरह से जहांगीर की सबसे बड़ी गलती थी। ये कंपनी आगे चल के एक प्रशासक के तौर पे उभरी। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि जब हार निश्चित हो जाती है तो पुरुषों को साका नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी, जिससे वे वापस ना आ सके। तो आपको बताना है कि ये किस वंश के राजा करते थे, ये भी सीजीएल टायर वन में पूछा गया है। ये राजपूत वंशों के द्वारा किया जाता था। जो भी राजपूत महिलाएं थी ये अपने पतियों के लिए ये पूजा कराती थी या करते थे। सम्राट अकबर के दरबार में टोडर मल क्या थे? अगर आपने हमारी इससे पहले वाली सीरीज को देखा होगा, इससे पहले वाली वीडियोज को, तो आप आसानी से बता पाएंगे। देखिए, अकबर के दरबार में नौ रत्न हुआ करते थे, जिसमें टोडर मल भी थे। और इनके समय पे एक प्रणाली आई थी, अगर आप उसको जानते हो, ये था दशाला। तो दशाला की शुरुआत भी इन्हीं के कहने पे हुई थी, मतलब कि टोडर मल के। टोडर मल सम्राट अकबर के दरबार में वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन इससे पहले भी एक राजा के दरबार में ये रह चुके थे। क्या आप बताएंगे कि उस राजा का नाम क्या था? उस राजा का नाम था शेरशाह सूरी के दरबार में रहते थे। लेकिन जब सूरी वंश खत्म हो गया तो ये अकबर के दरबार में भी रहने लगे और उनको यहाँ पे वित्त मंत्रालय मिल गया था। सीजीएल टायर वन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक है कि भरिए कि इनमें से कौन है जो कि आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। आगरा को कौन राजधानी बनाया? ये आपके विकल्प हैं। ये भी क्वेश्चन सीजीएल टायर वन में पूछा गया है, उसी दिन के तृतीय पाली में। कौन है? यह है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो कि आप इसका रूल करने का देखेंगे तो यह है 1489 से लेकर के 1517 तक। ये जब सुल्तान था तब इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा लाया। आगरा को आप देखेंगे तो ये मुगल टाइम पीरियड में भी काफी समय तक राजधानी रही। करीब करीब मुगल में जब अकबर बना तब से और रही 1648 तक, इतने समय तक ये राजधानी रही। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? हल्दी घाटी का युद्ध पहले तो ये जानिए कि हुआ कब था, क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाते हैं। पहले आप इसका उत्तर कमेंट करके बताएं, फिर हम बताते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्टिंग में है और अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है तो लाइक करने के साथ इसे शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग जुड़ पाएं। यहाँ पे अभी और क्वेश्चन आने बाकी हैं, तो और भी लोग जुड़ेंगे तो आपको भी अच्छा रहेगा, आपको पता चलेगा कि कितने लोगों में आपकी क्या रैंक है। देखिए, हल्दीघाटी के युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 18 जून 1576 को। आपको दिन याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप 1576 भी याद रखें तो काफ़ी है। ये हुआ था किसके किसके बीच में? तो अकबर के और महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर देखिए मेवाड़ के राजा हुआ करते थे और महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे और अकबर एक मुगल शासक था। इनमें कई बार युद्ध हुआ लेकिन कभी भी अकबर महाराणा प्रताप को झुका नहीं पाया। ये क्वेश्चन सीएचएसएल 10+2 में पूछा गया है। अगला है कि प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? कौन मारा गया?
शिवाजी उसको मार दिए थे और इसका नाम था अफजल खान। ये क्वेश्चन सी एच एस एल में पूछा गया है। ये लड़ाई कब हुई थी या बता सकते हैं प्रतापगढ़ की, ये हुई थी 1559 में। डेट पूछ ले तब 10 नवंबर, 10 नवंबर 1659, 1559। बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है, मतलब जो शेरशाह सूरी ने बनवाया ग्रैंड ट्रंक रोड, इसको किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन सीएचएसएल 10+2 में पूछा गया है, तो बताइए। देखिए, हर एक क्वेश्चन के लिए हम आपको 5 सेकंड दे रहे हैं और आपको अपने पेपर पे ट्रिक तो करना ही करना है। यहाँ पर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर लाइव होने के बाद आप देख रहे हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना उत्तर 7A 7B जो भी लिखना हो लिख सकते हैं। देखिए, अगर आप लाइव चैट की बात करेंगे तो लाइव चैट के कमेंट ज़्यादा दिनों तक मतलब आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो कमेंट बॉक्स के कमेंट होते हैं वो हमेशा के लिए उसमें होते हैं, जब तक कि उसे एडमिन या फिर जो कमेंट किया है उसके द्वारा रिमूव ना किया जाए। इसे कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 या फिर आप कह सकते हैं NH1। इसे शेरशाह सूरी ने बनवाया और इसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया, ये क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा गया। आदि ग्रंथ ये थे सिखों के 5वें गुरु, क्या आप बता पाएंगे आप? तो हाँ, इनका नाम था गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, और इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया। आदि मतलब क्या होता है, मतलब कि आप पढ़ते हैं आदि, आदि का विलोम होता है अंत, तो अब तो आप बता ही देंगे आदि मतलब होता है प्रथम। तो 1605 में इनके द्वारा यह संकलित किया गया था, 1605 में। अगला है कि मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत है। यहाँ पे आपको हम 5 सेकंड से अधिक देना चाहेंगे क्योंकि 4 विकल्प है। पढ़िए तुरंत और अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। देखिए, ये वीडियो 4K क्वालिटी में अपलोड की गई है, तो अगर आपको क्वालिटी से कोई शिकायत है तो यहाँ पे 3 डॉट के बटन में जाकर के क्वालिटी को सही कर पाएंगे। मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अप्सरा सियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं, ये तो गलत है। उज्बेक लोगों के द्वारा बाबर को उसकी मातृभूमि फरगना से निकाल दिया गया था, बिल्कुल सही है। बाबर का संबंध अपनी माँ की तरफ से चेंगेज खान से था, ये भी बिल्कुल सही है। और बाबर के जो पिता थे वो तैमूर के वंशज थे, ये भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो गलत है उसको बताइए, तो गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर पहला। ये क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा जा चुका है। अगला है कि मुगल सम्राट ने आलमगीर की उपाधि धारण की, मतलब कि एक मुगल राजा है जो इसको आलमगीर कहा जाता था, तो बताइए कि ये कौन है आलमगीर। ये क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा गया है। ये था औरंगजेब, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये अपने राज में नाच गाने को बंद करवा दिया था। इसने आदेश दिया था कि कहीं पर अगर नृत्य या फिर कोई संगीत हो रहा है तो जो संबंधित अधिकारी है जाकर उस वाद्य यंत्र को तोड़ दे। तो ये मानता था कि हमें सादा जीवन बिताना चाहिए और इसीलिए इसको जिंदा पीर बोला जाता था। क्या बता सकते हैं कि ये कौवा शासक है मुगल में, इसके पहले कौन कौन आए? तो देखिए, सबसे पहले आता है, भारत की बात करें, बाबर, उसके बाद हुमायूं, अकबर, इसके बाद कौन, जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो कभी कभी पूछा गया है कि ये कौवा राजा है, 1 2 3 4 5 6वां, ये अपने ऊपरी क्रम से 6वां राजा है। ये इसके पिता का नाम तो आप जान गए शाहजहां, लेकिन इसके माता का नाम आप बता पाएंगे? इसके माता का नाम था मुमताज महल, मुमताज महल, मुमताज महल की ये तीसरी संतान था, तीसरा बेटा था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाने जाते हैं, तूतीय हिंद बोलते हैं इनको, तूती ए हिंद, बताइए। आपके लिए हम रुके हैं 5 सेकंड,
यह है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद बोला जाता है, मतलब कि भारत के तोते। कहने का कारण क्या है कि इन्होंने भारत के बारे में अच्छे से व्याख्यान किया है, ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया है। अगला है कि सिखों के पांचवें गुरु कौन थे। अभी हमने बस 2-3 क्वेश्चन पहले बताया है सिखों के पांचवें गुरु। देखिए, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया जा रहा है, आपको ध्यान से उसे देखना होगा। आपको लगता होगा कि 50 क्वेश्चनों को कवर करने में 35 मिनट या फिर 30 मिनट लग जा रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको 50 क्वेश्चनों के जगह पे 200 से अधिक क्वेश्चनों के उत्तर बताए जा रहे हैं। तो अगर 200 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट देना पड़े तो ये कोई ज़्यादा नहीं है। इसके लिए सही उत्तर होगा गुरु अर्जुन देव, जो कि पाँचवें गुरु थे। और इनको मरवाया था कौन? जहांगीर। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पे हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म, ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया है, एक बार सीजीएल में भी पूछा गया था, तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। तलवंडी कहाँ पर है? तलवंडी क्या इंडिया में है? नहीं है, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का जो लाहौर प्रांत है, मतलब कि इस समय उसको ननकाना साहिब बोलते हैं, ननकाना साहिब, तो वहाँ पे जो तलवंडी गांव है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था कल्याण चंद। एक दो बार पूछा गया है ये भी, पिता का नाम कल्याण चंद। अगला है कि जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और जयपुर के लिए ये काफ़ी मायने रखता है। ये क्वेश्चन SSC MTS में पूछा गया था। बताइए, देखिए हवा महल के बारे में आपको 3-4 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। कब बना, कहाँ है, किसने बनवाया, और इसके अलावा बस इतना ही जानने काफ़ी है। जयपुर में है, जयपुर मतलब कि राजस्थान। किसने बनवाया? सवाई प्रताप सिंह ने, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। कब बनवाया? 1799 में। और आप देखेंगे कि ये हिंदू राजपूत वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। हालांकि इसमें हिंदू के साथ मुगल वास्तुकला भी देखने को मिलती है। अगला है कि दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन MTS में पूछा गया था ये। मोती मस्जिद जो दिल्ली का लाल किला है उसके परिसर में ये बना है, ये सफ़ेद संगमरमर का है। पूछा गया एक दो बार, सफ़ेद संगमरमर का है ये। किसने बनवाया? ये बनवाया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने, औरंगजेब की जो दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था नवाब नाई, इसके यादगार में बनवाया गया। और इसके अलावा आप जानिए कि ये कहाँ पे है, तो ये लाल किला परिसर में है। ठीक है, अगला है कि फतवा ए आलमगिरी मुस्लिम कानून का एक संगठन है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? जैसे कभी भी कोई मामला होता है तो आपको ये सुनाई देगा कि इस पे फतवा जारी होता है, तो ये जो फतवा वाला काम है ये किस शासक के समय पे लिखा गया, ये आपको बताना है। ये एक इस्लामी शरीयत कानून कह सकते हैं आप इसको, हालांकि कानून कहना सही नहीं है। ये औरंगजेब के समय पे ही लिखा गया। काफ़ी ख़तरनाक राजा था ये, जो मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं करते थे उनको मार देता था। आलमगीर इसका उपनाम है, इसको जिंदा पीर बोला जाता था, और इसने अपने राजपाट में संगीत को बैन करके रखा था। अगला है कि उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की। जैसे हिंदी में देवनागरी होती है उसी तरह पंजाबी में गुरुमुखी होती है, तो गुरुमुखी लिपि को किसने विकसित किया, यही पूछा गया है आपसे। गुरुमुखी मतलब क्या होता है? गुरु मतलब कि टीचर, मुखी मतलब कि मुख से, गुरु के मुख से। ये 16वीं शताब्दी में इसका मतलब इसको बनाया गया था, और ये बनाया गया गुरु अंगद के द्वारा, गुरु अंगद के द्वारा। ये देखिए CISF ASI में पूछा गया है 2019 में। सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग्स जेम्स फर्स्ट के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? ये एकदम पहला क्वेश्चन हमने जो किया था वही क्वेश्चन है। अगर आपने पहले वाले को अच्छे से देखा होगा तो आप बता पाएंगे सर थॉमस रो किसके दरबार में आए। तो ये आए थे 1613 में। 1613 में कौन था? 1605 से लेकर 1627 तक, तो जहांगीर ही था। जहांगीर के दरबार में आए, और कौन भेजा था? तो किंग्स जेम्स
प्रथम, ये टायर वन में पूछा गया है सीजीएल के। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है, मतलब कि क्रम सही नहीं है, कौन है जो कि गलत है, यही बताना है आपको। देखिए हमने आपको कई बार बता दिया है उनका, मतलब कि सबका टाइम पीरियड, अगर पता होगा तो आप आसानी से बता पाएंगे। सबसे पहले से अगर हम आपको बता दें, बाबर 1526 से लेकर 1530, इसके बाद आता है हुमायूं 1530 से 40, इसके अलावा 55 से 56, इसके बाद आता है अकबर 1556 से लेकर के 1605, इसके बाद आता है जहांगीर 1605 से लेकर के 1627, और इसमें कोई कहा है तो यह शाहजहां 1627 से लेकर के 28 से लेकर के 58 तक रहा, और इसके बाद आता है औरंगजेब, ये 1658 से लेकर के 1707 तक। अब पूछा गया कि बताइए कौन गलत है। देखिए जहांगीर के बाद शाहजहां और औरंगजेब, ये तो बिल्कुल सही है, और अकबर के बाद शाहजहां नहीं, अकबर के बाद जहांगीर आया था, बाद में शाहजहां, यानी कि यही गलत है, और क्वेश्चन में वही बताना है जो कि गलत हो, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, सीजीएल टायर वन में पूछा गया है। निम्न में से कौन से विदेशी देश ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया था, कौन है जो कि सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया, अरे आप ये समझ जाइए कि किसने भारत में पहले आया, कौन भारत में पहले आया। देखिए इंग्लैंड तो बहुत बाद में आया, फ्रांस भी बाद में आया, लेकिन पुर्तगाली आ गए थे 1498 में, तो जाहिर सी बात है कि आपका सही उत्तर होगा पुर्तगाल। क्या बताएंगे कि पुर्तगाल का वह कौन व्यक्ति था जो कि सबसे पहले भारत आया, उसका नाम कमेंट करके बताइए। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 1498 में भारत आया था। अगला है कि भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ पर लगाई गई, ये क्वेश्चन सीजीएल टायर वन में पूछा गया है। सीजीएल टायर वन पहली फैक्ट्री, वो भी फ्रेंच वाली। देखिए अगर हम अंग्रेजों वाली पूछते तो सही उत्तर सूरत होता, लेकिन फ्रेंच वालों का क्या होगा, ये भी होगा सूरत, ये सीजीएल में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे जो हम 50-50 क्वेश्चन करके एक छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं, अगर आप उसमें 30+ कर रहे हैं ना, तो समझिए कि आपका तैयारी कुछ हद तक ठीक है, हालांकि सबसे बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा के लिए आपको कम से कम 35 करना होगा, तो अगर आपका इतना है, अगर कम है तो आपको करना ये है कि जो भी इस तरह की वीडियो अपलोड है सबको देख जाइए, या फिर बुक मिलती है बुक लेके पढ़ जाइए, जो भी आपको अच्छा लगे। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है, यह है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब आप देखेंगे कि जो भी सिखों के गुरु हुए हैं उनके द्वारा इसे मान्यता दी गई है, तो आप जानिए कि इसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। अगला है कि 1651 में मुगल शासकों के द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई, 1651 में, ये था कासिम बाजार, कासिम बाजार। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था, ये शासक है तो बताइए, ये क्वेश्चन सीजल टायर वन में पूछा गया था 2011 में। ये किया गया था मोहम्मद बिन बख्तियार के द्वारा। देखिए अगर हम बख्तियार के बारे में बात करें तो ये था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, इसका टाइम पीरियड आप देखेंगे तो जब ये मतलब कि नालंदा को नुकसान पहुंचाया तो ये 1202-1203 था। ये जब बिहार में गया तो वहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं को मारा, बिहार को लूटा, इसने नालंदा को नष्ट कर दिया और पुस्तकालयों को भी जला दिया। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, देखिए एक बार एमटीएस ने पूछा, एक बार 10+2 में, दो बार पूछा गया। ये था पानीपत का पहला युद्ध, कब हुआ, 1526 में, किसके खिलाफ, इब्राहिम लोदी वंश का राजा था। मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है, बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, एमटीएस में पूछा गया है, बताइए कमेंट करके। मोती मस्जिद आगरा में है, एमटीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी जो उसकी पुत्री थी
जहां आरा नाम था उसका, तो यहां हम लिख देते हैं जहां आरा। इसके लिए बनवाया था, इसके सम्मान में बनवाया था। शाहजहां को तो आप जानते ही हैं, पत्नी के लिए ताजमहल बनवा दिया, तो पुत्र के लिए मोती मस्जिद बनवा दिया। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है, मतलब कि कौन जोड़ी गलत है, किसके किसके खिलाफ से युद्ध हुए होंगे, नहीं हुए होंगे, वही गलत होगा। यह है चंगेज खान बनाम अलाउद्दीन खिलजी, ये सही जोड़ी नहीं है। तो क्योंकि अगर आप देखेंगे चंगेज खान की बात करेंगे तो ये इल्तुतमिश के समय की बात है। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड 1210 से लेकर 1236 तक। अलाउद्दीन खिलजी तो बाद में आएगा, 1290 से लेकर 1320 में आएगा, वो भी 96 में रूल करना शुरू करता है। तो ये जोड़ी गलत है, बाकी सभी लोगों का युद्ध हुआ था। शेरशाह में भी थोड़ा बहुत, ये भी थोड़ा गलत है, लेकिन जो टाइम पीरियड है उसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर तीसरा ही सही सही होगा। भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? सबसे पहले भारत में कौन आया, ये क्वेश्चन केबीसी में 5 करोड़ के लिए पूछा गया था। अगर आपको याद हो तो पूछा गया था कि कौन है जो कि पहले आया और बाद में गया। ये थे पुर्तगाली और ये आए थे 1498 में, वास्को डी गामा, इनके तरफ से भारत आया था। और इसने एक रोड खोजा जिसको हम गुड होप कहते हैं, ठीक है। तो ये भारत में आया था, केरल में। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? 10+2, और 10+2 में पूछा गया है, जो दिल्ली वाला शिफ्ट था। कौन है मुगल सम्राट? और ये है शाहजहां। शाहजहां को ताजमहल के लिए भी जानते हैं, मोती मस्जिद के लिए भी जानते हैं, और इसे हिंदी गीतों की रचना का श्रेय भी मिलता है। क्या बता पाएंगे कि शाहजहां के पिता का क्या नाम था? चलिए पिता हम बता देते हैं, पुत्र आप बताइएगा। पिता का नाम था जहांगीर, पुत्र का नाम क्या था आप कमेंट करके बताइए। बड़ा एक क्रूर व्यक्ति था उसका पुत्र, बताइएगा कमेंट करके। निम्नलिखित में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है? समकालीन देखिए, राणा संगा और बाबर। बाबर को राणा संगा भी बुलाए थे, इनसे युद्ध भी हुआ था, तो ये तो समकालीन है ही। पृथ्वीराज चौहान और अकबर। पृथ्वीराज चौहान 1192 में इनका युद्ध हुआ था, तराइन वाला, 91 और 92 में, 91 जीते 92 हारे। और अकबर का आप देखेंगे तो 1556 में, 1542 में जन्म होता है, 1605 में मर जाता है। रूल किया था 56 से। तो आप देखेंगे कि ये कहीं और है और ये कहीं और है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो गलत होगा उसको बताइए, तो गलत कौन है? सेकंड वाला, आपका ऑप्शन सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है कि कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपने पढ़ा होगा, कब बनवाया गया था ये भी पूछा जाता है। ये बनवाया गया नरसिंह प्रथम के द्वारा और 1250 में बनाया गया था, 1250 में, ये सीजीएल टायर वन में पूछा गया है। अगला है कि गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु नानक का उत्तराधिकारी मतलब कि गुरु नानक के बाद कौन हुआ, बस ये पूछा गया है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये है गुरु अंगद। क्या आप टाइम पीरियड बता पाएंगे इनका? तो ये 1552 सीजीएल टायर वन में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सही मेल नहीं खाता है, मतलब कि गलत है, मतलब कि यहाँ पे देखिए यात्रियों का नाम है और उनका देश है, तो जो गलत होगा उसको आपको सही बता देना है। देखिए इसके लिए अगर आप देखेंगे तो मार्को पोलो इटली का था, अलबरूनी कहाँ का था तो ये उज्बेकिस्तान का था, इब्न बतूता मोरक्को का था, नकेतनी ये समरकंद का नहीं था, ये रूस का था। तो इसके लिए आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो गलत है उसको सही बताइए। ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर COD परीक्षा में पूछा गया है। देखिए आपको थोड़ी सी ऐप के बारे में बता दें, ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जो आप कमेंट बॉक्स पे जाएंगे तो वहाँ पे पहले कमेंट बॉक्स में, अगर आप लाइव देख रहे हैं तो आपको ऊपर दिख रहा होगा पहले नंबर पे, तो वहां जाकर आप इस तरह की वीडियो को लाइन बाय लाइन पढ़ पाएंगे, PDF डाउनलोड कर पाएंगे। एक PDF में आपको 50 क्वेश्चन, किसी किसी PDF में 500 से अधिक क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप ऐप जरूर डाउनलोड करें। अगला क्वेश्चन है कि यादव राजाओं की राजधानी कौन सी थी? जो यादव राजाओं राजा थे, मतलब जो यादव वंश था,
उनकी राजधानी अधिकतर समय कहाँ पे थी यही पूछा गया है। ये थी देवगिरी में, देवगिरी में ये 10+2 में पूछा गया है। अगला है कि दी गई घटनाओं को उनके कालानुक्रम के अनुसार लगाएं। ये 3 घटनाएं हैं और आपको इनको क्रम से लगा देना है कि कौन कब हुआ। जो सही होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, सिपाही विद्रोह की बात करें, पहले हम वास्को डिगामा को देख लें। तो ये 1498 में, डेट अगर कोई पूछ ले आपसे तो 20 मई है, 20 मई 1498। इसके बाद बाबर, बाबर 1526, बाबर कब आया था 1526। सिपाही विद्रोह कब हुआ था 1857, डेट पूछ ले तो 10 मई। अब आप क्रम से लगा सकते हैं, पहले आएगा दूसरा वाला ऑप्शन, फिर तीसरा वाला, फिर पहला वाला, दूसरा तीसरा पहला, ऑप्शन नंबर तीसरे में है। देखिए, मध्यकालीन इतिहास के बाद आपको जो ईयर याद करने की प्रक्रिया है वो जरूर करना होगा। मतलब ईयर तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। संत रामानंद निम्न में से किस शाखा से संबंधित है? रामानंद जो कि कबीरदास के गुरु थे, कबीरदास को आप देखेंगे तो ये निर्गुण भक्ति के राजा माने जाते हैं, लेकिन रामानंद को बताइए, 14वीं शताब्दी में ये थे और ये राम मार्गी धारा से थे, मतलब कि ये राम की भक्ति करते थे। बाद में इनके जो शिष्य में कबीरदास जी हुए, कबीरदास जो कि निर्गुण के हो गए, तो कहा जाता है कहीं कहीं पे कि बाद में ये कबीरदास को ज्वाइन कर लिए। ये क्वेश्चन सीएचएसएल टायरों में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ सूरदास का नहीं है? सूरदास का नहीं है ये आपको बताना है, बताइए। यह है सूर सत्सई, सूर सत्सई सूरदास का नहीं है, ठीक है। जो सूरदास के हैं ये सूर सागर हैं, सूर सरावली हैं, साहित्य लहरी हैं, तो ये आपके उनके हैं। ये क्वेश्चन सीएचएसएल टायरोन में पूछा गया है। निम्नलिखित राजाओं में से किसने उड़ीसा में कोणार्क मंदिर बनवाया? ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, फिर से रिपीट हुआ है। 1225 में बनाया गया था, 50 में बनाया गया था, 1250 में किसने बनवाया? तो नरसिंह देव प्रथम उड़ीसा में 1250 में बना। सीएचएसएल टायर वन 2019। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर को बनाया था? भोपाल को देखिए, ये मिहिर भोज को बताया जाता है, ये इनके बारे में जो लोक कथाएं होती हैं उनके बारे में बताया जाता है। कहा जाता है कि वहां पे उन्होंने एक झील भी बनवाया था और जिसका नाम 2011 में बदला गया और उस झील का नाम अब भोज ताल रख दिया गया है। ये क्वेश्चन सीएचएसएल 10+2 टायर वन में पूछा गया है 2019 में। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर किसने हमला किया था? ये जो चोल मतलब कि दक्षिण वाले राजा थे, और बात की जा रही है अगर हम चोल का टाइम पीरियड देखें तो 950 से लेकर के 1200 तक ये इनका टाइम पीरियड है, इस भी है। तो बताइए कि चोल साम्राज्य पे किसने हमला किया 14वीं शताब्दी में? मलिक काफूर ने, मलिक काफूर ने। किसका ये गुलाम था बता पाएंगे? अलाउद्दीन खिलजी का। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मुगल, ये जो हम पढ़ते हैं ना, ये दिल्ली पे शासन वाले हैं, दक्षिण वालों का अलग से इतिहास आपको पढ़ना होगा। ये सीएचएसएल 10+2 टायरोन में पूछा गया है। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? खजुराहो वाले का पूछा गया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, बुंदेलखंड में है ये चंदेलों के द्वारा कराया गया। ये क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए, कई बार रिपीट हुए हैं आपके परीक्षाओं में। ये तो हम एसएससी में अगर पूछा है तो आपको बता रहे हैं, इसके अलावा रेलवे में, स्टेट पुलिस में कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? यह है राज तरंगिणी, राज तरंगिणी को कहते हैं, द रिवर ऑफ किंग्स। ये भारतीय उपमहाद्वीप में है और कश्मीर के राजाओं के लिए, कश्मीर के राजाओं के बारे में इसमें कई सारे बातें लिखी गई हैं। सीएचएसएल 10+2 टायर वन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि देखिए, अब यहाँ से हम आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। इसके पहले आप मध्यकालीन वाले को देख रहे थे, तो अब आगे बढ़ते हैं।
आप में से कई सारे लोगों के कमेंट थे कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन है कि सिख सेना कहलाती थी, सिख सेना कहलाती थी, ये जीडी वाले में पूछा गया है 2012 में जो पेपर हुआ था। तो बताइए कि आपके हिसाब से इसका उत्तर क्या सही होगा। जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। सिख सेना खालसा सेना कहलाती थी, ये क्वेश्चन जीडी 2012 में पूछा गया है। इसमें लगभग 80,000 से अधिक सैनिक थे। इसकी स्थापना सिखों के 10वें गुरु किए थे, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको मिलता है? बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, 1498 में भारत आया, अब तो आप बता ही सकते हैं। ये है पुर्तगाली, 1498 में समुद्री मार्ग के द्वारा कौन आया था? वास्को डिगामा। कहाँ पे आया था? कलकट में। कलकट में क्या बता पाएंगे कि जब ये भारत आया तो इनका स्वागत किया एक हिंदू राजा, उस राजा का क्या नाम था? जमोरिन, राजा जमोरिन। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? सीपीयू में पूछा गया था, जहाज ये था रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन ये करीब करीब 1595 में बना था, लेकिन बाद में भारत आया। केप ऑफ गुड होप, इसके रास्ते भारत तक समुद्री राज्य की रास्ते की खोज किसने की थी? वही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका बदल दिया गया है। जो वास्को डिगामा जब भारत आया, इसने जो मार्ग खोजा इसको हम केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। ये वास्को डिगामा आया भारत पे 1498 में, एमटीएस में पूछा गया है। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ, मतलब कौन सा युद्ध हुआ जबकि भारत में फ्रांसीसी चुनौती खत्म हो गई? बताइए, ये था वांडी वास का युद्ध। वांडी वास का युद्ध। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो बताइए आप लोग, ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। पूछा गया है कि कौन थे जो कि इनको वास्तविक माना जाता है, तो ये है फ्रांसिसो, इनका नाम है अल्बुकर्क, और इनका जो पूरा नाम है ये जानिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये भारत में गवर्नर है 1509 से लेकर 1515 तक। अंग्रेज शासक चार्ल्स सेकेंड को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था? बताइए, उसे बंबई दहेज में दिया गया था, तो ये कहाँ की राजकुमारी से शादी किया था? इंग्लैंड, पुर्तगाल के, कहाँ के? पुर्तगाल के। और ये जो राजकुमार है ये इंग्लैंड का था, तो ये 1661 में हुआ शुभ कार्यक्रम जिसमें बंबई को दहेज में दे दिया गया। ये सीजल टायर 1 में पूछा गया है। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए अब, और इसे शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो छोड़ते छोड़ते। निम्न में से कौन से शहरों में तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों में संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? गलत जोड़े, पांडिचेरी फ्रांसिस मार्टिन, अहमदाबाद अहमद शाह, मद्रास फ्रांसिस डे, कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव। ये गलत है और क्वेश्चन के हिसाब से ये सही होगा, 10+2 में ये पूछा जा चुका है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। सबसे पहले बताइए कि आपने 50 में से कितना किया। इसके अलावा आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, ऐप को डाउनलोड करें और इसे एक बार जरूर शेयर कर दें। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।